हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। अगर आपको भी रात में सोते समय नींद नहीं आती है, तीन तीन चार चार घंटे तक लेटे रहने के बावजूद भी आपको अगर नींद नहीं आती है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में हम इसी बीमारी के ऊपर बात करेंगे जिसको लोग इंफोमीनिया कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पहचाने हमको यह बीमारी है, यानी इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम इसके कारणों के बारे में बात करेंगे कि यह बीमारी हमको किन कारणों की वजह से होती है, और बात करेंगे कि यह बीमारी होने पर व्यक्ति को किन किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हम इसके उपचार के बारे में बात करेंगे, यानी इसके घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और एलोपैथिक ट्रीटमेंट, तीनों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंफोमीनिया, नींद ना आने की प्रॉब्लम, यह काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखी जाती है। आजकल 80% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। लोगों को एक प्रॉपर अच्छी नींद ही नहीं आती है। तो कैसे पहचाने आपको यह प्रॉब्लम है कि नहीं? अगर आपको रात में सोते समय काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सोने के लिए, या फिर आपकी नींद बार बार टूटती है, या फिर आप रात में सोते हुए भी जगा हुआ महसूस करते हैं, या फिर आप बिस्तर पर सोने तो जाते हैं, तीन तीन चार चार घंटे तक लेटे रहते हैं, सोचते रहते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आपको नींद नहीं आती है, तो आपको भी इंफोमीनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। बात करें कि यह बीमारी हमको किन किन कारणों की वजह से होती है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा कारण हैं। इसका मेन और मुख्य कारण यही है कि हमारी डेली रूटीन में हम क्या चीज़ खाते हैं, क्या चीज़ पीते हैं, क्योंकि उसी पर निर्भर करता है कि हमको रात में एक प्रॉपर अच्छी नींद आ पाएगी या फिर नहीं। जैसे कि अगर आप अपनी डेली रूटीन में चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, तो आपको रात में नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आप खाने में ठंडी चीज़ें ही नहीं लेते हैं, या फिर बहुत कम लेते हैं, जैसे कि दही, मट्ठा, हरी सब्जियां, फल फ्रूट बहुत ही ज़्यादा कम लेते हैं, तो आपको इंफोमीनिया जैसी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो भी आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। आप स्ट्रेस ज़्यादा करते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, तो भी आपको यह प्रॉब्लम बन सकती है। इसके साथ साथ आप रात में सोते समय स्मोकिंग या फिर ड्रिंक कर लेते हैं, तो भी आपको यह प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये प्रॉब्लम बनने के काफ़ी ज़्यादा कारण हैं। चलिए बात करते हैं कि इस बीमारी में व्यक्ति को किन किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को एक प्रॉपर अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर व्यक्ति को अच्छी और प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, तो इसका सबसे बड़ा और बुरा प्रभाव हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर पर पड़ता है। हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने लगती है, और हमको आए दिन नई नई बीमारियाँ घेरने लगती हैं। और आप लोग जानते होंगे कि हमारी पाचन क्रिया रात में सोते समय काफ़ी अच्छा वर्क करती है, और हमको एक प्रॉपर अच्छी नींद नहीं आती है, तो उसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है, और हमको आए दिन कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनने लगती है, और हमारा पेट आए दिन बेकार होने लगता है। इसके साथ साथ व्यक्ति में सर दर्द जैसी समस्या बनने लगती है, उसको थकान, कमजोरी लगने लगती है, चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है, व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं। साइंटिफिक रीजन से जाना जाए तो 18 से 40 साल तक के व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की एक प्रॉपर अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको भी 6 से 8 घंटे की प्रॉपर अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो यह बीमारी आपको भी हो सकती है। चलिए बात करते हैं कि इंफोमीनिया होने पर व्यक्ति को घरेलू उपचार क्या दिया जाना चाहिए। तो इसमें आप रात में सोते समय गाय का शुद्ध देसी घी दो दो बूंद अपनी दोनों नाकों में डालकर अगर आप सोते हैं, ऐसा आप 3 से 4 दिन करते हैं, तो आपको प्रॉपर अच्छी नींद आ सकती है। इसके साथ साथ आप रात में सोने से पहले अगर नहाकर सोते हैं, तो भी आपको एक अच्छी नींद आ सकती है। चलिए बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, तो इसमें पतंजलि की दिव्य मेगा बटी आती है। उसकी अगर 2 गोलियां आप रात में सोते समय अगर खाकर सोते हैं, तो भी आपको एक गहरी अच्छी नींद आ सकती है। इसके साथ साथ आप अश्वगंधा चूर्ण और ब्राह्मणी बटी का सेवन रात में सोने से पहले कर सकते हैं, तो भी आपको एक अच्छी नींद प्रॉपर आ सकती है। अगर आपको यह सब करने से आराम नहीं मिल रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं और एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट में अल्प्राजोलाम टैबलेट जैसे कि अल्प्रैक्स, जोलेंट या फिर क्लोनाजिपाम टैबलेट जैसे कि क्लोर या फिर ट्राइका जैसी टैबलेट आपको रिकमेंड कर सकते हैं। यह टैबलेट मार्केट में आपको तभी मिलेंगी जब आपके पास डॉक्टर का पर्चा होगा। मतलब यह टैबलेट लेने के लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक NRX टैबलेट है, नारकोटिक्स ड्रग है। इन टैबलेटों का आप सेवन तभी तक करें जब तक आपको इन टैबलेटों की ज़रूरत है, क्योंकि इन टैबलेटों के बाद भी व्यक्ति को लत लग जाती है, और फिर वह इन टैबलेटों को नहीं छोड़ पाता है। फिर व्यक्ति को यह टैबलेट नहीं खाएगा, तो उसको नींद नहीं आएगी। तो ध्यान रखें, इन टैबलेटों को आप सीमित समय तक ही खाएं।
अगर आपने हमारी टॉप 5 स्लीपिंग टैबलेट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर जरूर देखें। और उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।